हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना बेस्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है, इसके एक्सरसाइज को पढ़ना है। फिलहाल पूरा चैप्टर तो मैंने कब का पढ़ा के खत्म कर दिया है, ठीक है। सो हमें चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज आज हमें देखना है अच्छे तरीके से। सारा एमसीक्यू वगैरह सब कुछ अच्छे से हम लोग लाइन टू लाइन कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर देना है और आपके सभी फ्रेंड्स भी देखेंगे, सब लोग को अच्छा खासा फायदा होगा। आंसर शीट सबको मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। सो आप भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ, ठीक है। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लो इसे। अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो बेल आइकन भी दबा लो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो वहां पे आप लोग पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, देन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके और ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, वरना फिर ज्वाइन नहीं हो पाओगे। पहले डाउनलोड करना ऐप, देन ही उसमें क्लिक करना, ठीक है। और आप अगर कोई और इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। सो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है ग्रिफिथ वर्कड ऑन, अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, इसमें उन्होंने वर्क किया था। तो भाई उन्होंने भाई बैक्टीरिया पे किया था, ना तो फ्रॉग में ना बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है जानते हैं, जो एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। ड्रोसोफिला तो एक जस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोका ये एक बैक्टीरिया है। नाउ 2 मॉलिक्यूलर नाइप्स ऑफ डीएनए आर लिगेज, ये पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टरेज, एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से ही हम डीएनए को कट करते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ 3 ट्रांसलेशन ऑकर्स इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम्स। याद रखना ट्रांसलेशन जो होता है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ 4 द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल आरएनए पॉलीमरेज, याद रखो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसफर ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, यार ट्रांसक्रिप्शन क्लास 10th का बच्चा जो चैप्टर नंबर 1 साइंस 2 में पढ़ा होगा वो ही बताएगा कि डीएनए टू एमआरएनए बनाने का प्रोसेस ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इन द आरएनए मॉलिक्यूल विच नाइट्रोजन बेस्ड फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमिन, तो अब आरएनए में हमारा गुआनिन होता है, साइटोसिन भी रहता है, बस थायमिन यहाँ पे ध्यान देना, वो मतलब प्लेस ऑफ थायमिन वो कौन रिप्लेस करता है, तो यूरासिल रिप्लेस करता है, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन तो ये फिक्स होते हैं। और 8 हाउ मेनी कोडॉन्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई 3 अमाइनो एसिड्स, 3 कोडॉन्स, 1 अमाइनो एसिड, 3 कोडॉन्स मतलब लगेंगे एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने में, तभी तो ट्रिपलेट कोडॉन बनता है। Which out of the following is not an example of inducible person? Histidine operon. ये inducible person operon का, inducible operon का ये एक example है. Histidine operon. Place the following event of a translation in the correct sequence. तो देखो पहला है option में binding of methylene tRNA of the to the short codon. Covalent bonding between two amino acids. Binding of second tRNA. Joining of the small and large ribosomal subunits. तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो टू अमाइनो एसिड्स होते हैं ये कोवेलेंटली पहले बॉन्डेड होते हैं, फिर हमारा सेकेंड टीआरएनए बाइंडेड होता है, फिर हमारा जॉइनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोम के सब यूनिट्स बाइंड होते हैं, देन हमारा बाइंडिंग ऑफ मिथाइलिन टीआरएनए होता है। तो ये पूरा लाइन से सिक्वेंस आपको याद रखना है, आंसर विल बी डी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला है व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसके फ्यूजन क्या है, व्हाट इज द फ्यूजन और अ फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सिंपल सा यार, सिंपल सा, इसको तो बताया भी था मैंने, ठीक है। तो जो आरएनए प्राइमर होता है ये प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पॉलीमरेज कहां से स्टार्ट होगा उसको प्रोवाइड करता है आरएनए प्राइमर। फॉर एग्जाम्पल 3' एंड से 5' एंड तक सारी चीजें होती है, और इसके अंदर जो कोडॉन्स होती है तीन तीन का ग्रुप रहता है, टीएसीजी। तो ये बात आपको समझनी है, ये सारे के सारे अपने स्टार्टिंग कोडॉन्स कहलाते हैं, ठीक है, और आरएनए प्राइमर से यही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाई जेनेटिक कोड इज कंसीडर्ड एज कॉमालेस, जेनेटिक कोड भाई कॉमालेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई पंक्चुअल मार्क होता है और ना ही कोई गैप होता है किसी भी सक्सेसिव या कंसिक्यूटिव कोडॉन्स के बीच में, दो कोडॉन्स के बीच में देखो यहाँ पे कहीं कॉमा दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है, ना ही कोई गैप दिख रहा है, बात ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे लिखने के लिए दिखाना पड़ रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है।
जीनोम क्या होता है? तो जीनोम एक ऐसा टर्म, एक ऐसा शब्द का नाम है, ऐसा एक वर्ड का नाम है जिसमें जितने भी दुनिया में जीन्स होते हैं सभी जीन्स की स्टडी सभी लोगों को ग्रुप करके इसमें पढ़ा जाता है, यानी एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को हम जीनोम कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच एंजाइम डज रिमूव सुपर कॉइल फ्रॉम रेप्लीकेशन और रेप्लीकेटिंग ऑफ द डीएनए? सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम है ना, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग ऑफ द रेप्लीकेटिंग डीएनए। गाइज इसमें से मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर 3D में दिखाए थे, आई होप आपको सब याद होंगे, एक बार जाओ और देख लो अच्छे से। फिफ्थ, वाई आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म्ड ऑन अ लैगिंग स्ट्रैंड ओनली? ऐसा क्यों? देखो डीएनए को भाई दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि एंटी पैरेलल रहते हैं, एक स्ट्रैंड 5' से 3' और दूसरा 3' से 5' जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस, जो मतलब हमारा ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये सिंथेसाइज करता है नए डीएनए को जो कि 5' से 3' के एंड में होता है। तो जो लीडिंग टेम्पलेट हमारा रहता है, हमने देखो तो लीडिंग और लैगिंग टेम्पलेट, तो जो हमारा लीडिंग टेम्पलेट था वो हमारा कंटिन्यू करता है और लैगिंग टेम्पलेट हमारा सिंथेसाइज होता है डिसकंटिन्यूअसली। तो जो हमारा 5' और 3' एंड बचा वही ऐसे पॉलीमराइज होगा, तो सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पे लैगिंग वाले के स्ट्रीम में होता है, क्योंकि लीडिंग वाले में तो सब डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस? कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो हमारा आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए होता है, पहले ये जान लो। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे एस फेज ऑफ द इंटरफेज में होता है, जब हमारा सेल डिवीजन जो सेल साइकिल चलता है सेल साइकिल के इंटरफेज वाले में एस फेज के अंदर, सेल साइकिल में एक फेज जिसका नाम इंटरफेज, उसके अंदर भी एस फेज है, वहां पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डिफाइन टर्म कोडॉन एंड कोडोजेन। जो कोडॉन होता है अच्छे से डिफाइन कर दो, ए सीक्वेंस ऑफ अ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, दसवीं का बच्चा भी जानता है, एमआरएनए के अंदर जो 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें कोडॉन कहते हैं। व्हाट इज कोडोजेन? एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रिपलेट और न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होता है डीएनए में उसी को हम कोडोजेन कहते हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड? तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड ये है भाई कि जो हमारे सिंगल अमीनो एसिड्स है ये इनकोडेड यानी कि कवर्ड रहते हैं बाय सिंगल सिंगल कोडॉन। कुछ कुछ अमीनो एसिड इनकोडेड होते हैं मोर देन वन कोडॉन, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन को दो दो कोडॉन्स होते हैं, वैसे आइसोल्यूसिन को 3 कोडॉन्स होते हैं, तो इसी को हम डीजेनरेसी ऑफ द कोड कहते हैं, ये बात आपको समझ रखनी है। इसको वोबेल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, याद रखना अच्छे से। विच आर दी न्यूक्लियोसोमल कोर हिस्टोन? तो H2O, H2B, H3 और H4, ये 4 ही तो थे हमारे मतलब जो कोर थे हिस्टोन के, तो याद रखो अच्छे से इनको। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर्स में जाते हैं, शॉर्ट आंसर के नाम पे धब्बा है ये तो, बड़े बड़े आंसर थे, इतने आंसर फिलहाल है भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, इतने आंसर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे यार, ठीक है। छोटे आंसर 4 पॉइंट आप ले लो कोई भी शॉर्ट में, स्टार्टिंग के 4 से 5 पॉइंट लिख लेना, अगर अगर 3 मार्क्स को है तो 6 पॉइंट लिखना अनिवार्य है, ठीक है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखना अनिवार्य है। तो जरूरी नहीं कि 10 पॉइंट लिखो, अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो मैंने सब आपको दे दिया है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर एक चीज दिमाग में बिठा लो, 3 मार्क्स का 6 पॉइंट, 2 मार्क्स का 4 पॉइंट, 5 मार्क्स का 10 पॉइंट, यानी 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, समझ गया ना, ये बात ध्यान रखना। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, सिंपल किस तरीके से डीएनए होता है ये बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोटिक सेल, पहली बात। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बहुत रिच होते हैं विद द आर्जिनिन लाइसिन के लिए, हिस्टोन ऑर्गेनाइज करता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हिस्टोन जिसे हम ऑक्टामर कहते हैं। जो हमारा निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए होता है वो रैप होता है इन द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर में, इसी को हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग हिस्टोन के प्रोटीन कोर होते हैं, लाइक H2A, H2B, H3, H4, H1 प्रोटीन जो हमारा रहता है वो बाइंड करता है डीएनए को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। एक हमारा जो न्यूक्लियोसोम्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ लॉन्ग डीएनए को वाउंड कर सकता है, अबाउट कम से कम 146 बेस पेयर जो होते हैं वो डीएनए के हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑन द न्यूक्लियोसोम्स। तो इतने पॉइंट आप लिख डालो, खत्म, ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने 3D में एकदम अच्छे से दिखाया था, डायग्राम भी बना देना एग्जाम में मस्त तरीके से। नाउ इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। देखो गाइस ये मैंने सब आपको पढ़ाया है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर किया थियरी वाले क्वेश्चन में, फिलहाल ये तो एक्सरसाइज है, मैंने सब कवर किया है। तो इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड ऑफ द डीएनए को बहुत सारे सिंपल सिंपल कैरेक्टर होते हैं, लाइक जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है, जैसे कि 5' से 3' तक हमारा जेनेटिक कोड होता है। सेकंड पॉइंट में जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, तो इसकी प्रॉपर पोल होती है 5' से 3' और 3' से 5'।
है ना। फिर इसके जेनेटिक कोड हमारा ओवरलैप कभी नहीं होता है, ये भी हमको मालूम है। तो कभी भी ओवरलैपिंग कोड्स में नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि हमारा एक कोड दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंक्चुअल और गैप नहीं होता इनके बीच में। हमारा जेनेटिक कोड हमेशा इसमें डीजेनरेसी होती है, जैसे कि एक कोई भी क्रोमोसोम हमारे दो दो कोडॉन्स या वन कोडॉन्स से ज्यादा से बाइंड होता है। फिर हमारा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है भाई, ये भी समझना। फिर हमारा जो जेनेटिक कोड होता है ये नॉन एम्बिगुअस भी होता है, तो ये सब आप जानते हो, मैंने सब आपको यहाँ पे कवर किया था, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारे लाइक इनिशिएशन ऑफ कोडॉन एंड टर्मिनेशन ऑफ कोडॉन्स भी है, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन के बारे में भी हमारा कोड फॉर्म करता है, तो ये सब आपको इसी पॉइंट में लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स को एग्जाम में आ सकता है, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारा 5 मार्क्स को एग्जाम में आ सकता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। नाउ माय डियर, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता है, चोर चपार लोग को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। फिर जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ये बहुत सारे सॉल्वर को मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर देता है, लाइक मर्डर केस वगैरह सब कुछ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बायोलॉजिकल मेथड होता है जो कि मदर एंड मतलब जो चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन की मदर एंड फादर कौन है, इससे पता करने में मतलब हेल्प करता है, जो कि डिस्प्यूट को खत्म कर देता है, पेरेंटेज डिस्प्यूट को, ठीक है। बहुत सारे पेडिग्री एनालिसिस को कैट्स डॉग्स एंड हॉर्सेस के पेडिग्री एनालिसिस और ह्यूमंस को भी इनको भी एनालाइज करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत मदद करता है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज इन द लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन में लैक्टोज का रोल क्या है? तो भाई हम सबको पता है कि बहुत सारे कम ही मॉलिक्यूल होते हैं लैक्टोज के जो इंटर कर पाते हैं इनटू द सेल, ये हमने पढ़ा था, बाय द एंजाइम परमिएज, ठीक है। बट जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो एंजाइम परमिएज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम्स ये प्रेजेंट होता है हमारे ऑपरेंज जब स्विच ऑफ हो जाता है, हमारा ऑपरेंज ऑपेरॉन जब बंद हो जाता है भाई, जब तक चालू तब तक तो लैक्टोज अंदर जाता ही है, ये हमने देखा था, ठीक है। बट अगर मान लो हमारा हमारा ऑपेरॉन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तभी भी थोड़ा सा एंजाइम तो बचा ही रहता है, और यही एंजाइम लैक्टोज को आने देता है, मतलब पहरेदार है ये, पहरेदार तभी भी बचता है, यानी एंजाइम कौन, परमिएज। तो उसी की वजह से हमारे फ्यू मॉलिक्यूल्स लैक्टोज तभी भी अंदर जाते हैं, और जिन्हें हम इंड्यूसर के फॉर्म में कहते हैं, मतलब इंड्यूसर और अ बाइंड टू रिप्रेसर, इस फॉर्म में हम इसे इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। यही रिप्रेसर और इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स होता है जो ये फेल होता है टू द ज्वाइन ऑपरेटर जीन, क्योंकि जब भाई पूरा ऑपेरॉन ही बंद हो गया तो कैसे ऑपरेटर जीन से ज्वाइन हो सकता है, तो ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है जीन्स का, ये प्रोड्यूस करते सारे के सारे एंजाइम्स को, और लैक्टोज एक्ट करता है इंड्यूसर के फॉर्म में, जो कि ये खुद को ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे इसका फॉर्म है कि हमारा लैक्टोज का सिर्फ यही रोल है कि खुद को ब्रेक डाउन कर लेना और ऑपेरॉन के अंदर घुस जाना व्हेन ऑपेरॉन हमारा स्विच्ड ऑफ होता है तब, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और इंड्यूसर के फॉर्म में ये वर्क करता है। नाउ शॉर्ट नोट्स में अगला देखते हैं, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। तो भाई ये इनिशिएट होता 1990 में अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, हगो हगो बैठ के, ठीक है, ह्यूगो फिलहाल इसे ऐसा प्रोनाउंसिएट करते हैं याद रखना अच्छे से, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है US का डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये तो याद करना ही पड़ेगा, अभी तो फैक्चुअल, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको। इसके बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, लाइक फ्रांस है, जर्मनी, जापान, चाइना, अपने भारत को नहीं रखा, क्यों पढ़ा रहे हो भाई फिर तुम लोग, इंडिया किधर है। चलो आगे बढ़ते, खैर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003 में खत्म हो गया था। इसमें हम लोग क्या करते थे, बेसिकली मोटो क्या था इस प्रोजेक्ट का, कि हम लोग मैपिंग करते थे इंटायर ह्यूमन जीनोम को और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैपिंग करते थे, यानी मेजर करते थे। दूसरी बात, इसमें हम डेटाबेस को रखते थे सभी लोगों का, डेवलप करते थे नई नई टेक्नोलॉजीज को, डेटा को, और ट्रांसफर करते थे बहुत सारी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को, लाइक प्राइवेट सेक्टर्स में, पब्लिक में, इंडस्ट्रीज में, PSUs में, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो हमारा होता है उसे PSU कहते हैं उनमें, और हमारे बहुत सारे लीगल, इथिकल और सोशल इश्यूज को हम इसमें से सॉल्व करते थे इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे HGP का मोटो था। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हमको समझ के रखनी है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपेरॉन, ये आपको समझना है। अब भाई ऑपेरॉन के स्ट्रक्चर को समझाओ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपेरॉन पहली बार जैकॉब एंड मोनाद ने दिया था, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हुआ था बाय मींस ऑफ रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, ये तीन चीजों के लिए, और स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए, ठीक है, और इसी को हम ऑपेरॉन कहते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, लाइक रेगुलेटरी जीन्स, प्रमोटर जीन्स, किस तरीके से फंक्शन करते, जस्ट एक बार रीड करो, और सब मैंने आपको समझाया किस तरीके से फंक्शन करते हैं, अच्छे तरीके से समझाया यार, तो एक बार तो पढ़ ही सकते हो ना, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और इसके दो टाइप और है, ऑपरेटर जीन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स, ये पूरा आपको एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, फॉर 5 मार्क्स को एग्जाम में आएगा, कितने मार्क्स को आएगा, 5 मार्क्स को।
और फिक्स है कि आएगा, ये फिक्स है, कोई झूठ नहीं है, ये आता है, 2017 के पेपर में भी आया था ये, ठीक है। मैंने सब अच्छे से समझाया, प्लीज एक बार पढ़ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगला, इन द फिगर बिलो ए बी सी आर थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट। तो इन द फिगर ए मेजर, जो फिगर ए है ये यूरासिल है, यहाँ पे देखो ये एमआरएनए पक्का क्योंकि यूरासिल दिया है, ये मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। बी ये हमारा राइबोसोम यानी राइबोसोम आरएनए है, और सी जिसके पास अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए है। तो ये सब राइबो न्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करके दिखाओ भाई कि लेबल्ड स्ट्रक्चर्स ऑन द फॉलोइंग डायग्राम्स ऑफ अ ट्रांसलेशन, इसको आइडेंटिफाई करो। ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे, ये हमारा एंटीकोडॉन होता है, ये हमारा एंटीकोडॉन है। फिर हमारा यहाँ पे देखो बी क्या है, तो बी हमारा अमीनो एसिड है, देखो हियर इज द अमीनो एसिड, बी हमारा अमीनो एसिड है। सी क्या है, ये हमारा लार्ज यूनिट ऑफ दिस, ये क्रोमोसोम है, देखो ये हमारा क्रोमोसोम है। तो ठीक है, इतना सिंपल सी बात आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अभी मैच द एंट्रीज इन द कॉलम वन विद दोज ऑफ कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट आंसर्स, ये आपको मैच करके देना है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। अभी तो मान लो अल्कली ट्रीटमेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एकदम सिंपल वाला माय डियर, एकदम सिंपल वाला बी वाला आपको आंसर यहाँ पे दे दो, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर आप यहाँ पे चूज कर लो, आपके सामने वहां पे मैच द फॉलोइंग में दिया था, ये आंसर आप चूज कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, बी का डी, फोर्थ का सी, ठीक है, ई सॉरी ई, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लो प्लीज, ठीक है, इतना तो आप इसको क्या समझाओ मैं, ठीक है, इसमें तो आपके सामने आंसर दे दिया मैंने। ओके, लॉन्ग आंसर की आप बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग आंसर है कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो अभी अब तक हमने पढ़ चुके हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देखो ये रिपीट हुआ, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बाय आइडेंटिकल कॉपीज को बनाने के लिए हेल्प करता है, इसमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इस्तेमाल किया जाता है, और आफ्टर द रेप्लिकेशन डीएनए जो होता है वो हमारे मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, एंड जो ओल्ड वाला रहता है वो नया स्ट्रैंड बनाता है। हमारे पेरेंटल डीएनए होते बहुत सारे पार्टली कंजर्व रहते हैं, और अलग अलग टाइप के इसमें प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि पार्टली होते हैं ना, पूरे पूरे रहेंगे तो फुल कंजर्वेटिव, हाफ होते हैं इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। इसको वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, और ये बेसिकली हमने इस्टरिसिया कोलाय और N15 आइसोटोप्स में हमने इसको डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे पहले परफॉर्म किया था, और इसे किसने परफॉर्म किया था, मिसेलसन एंड स्टाल ने, तो थोड़ा याद रखना अच्छे से। आगे की बात करता हूँ मैकेनिज्म जो है इसका, तो ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पहला मैकेनिज्म है, जिसके अंदर डीएनए जो होता है ये 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, डीएमपी, डीजीएमपी और डीसीएमपी और डीटीएमपी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म्स होते हैं। ये बेसिकली एक्टिवेट होते हैं बाय द फुल हेल्प ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो कि एक फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से ही होता है, और इसके अंदर ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्राइफॉस्फेट जो ग्रुप्स होते हैं, लाइक डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये बहुत सारे अलग अलग फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं, सब भी सिखाया मैंने। ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट ओ यानी ओरिजिन और टर्मिनेट होता है पॉइंट टी पे, तो टी पॉइंट में टर्मिनेशन होता है और ओ पॉइंट में ओरिजिन होता है किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो ओरिजिन हमारा रहता है फ्लैंड होता है विद द हेल्प ऑफ टी साइट्स, और जो यूनिट्स होते हैं हमारे डीएनए के वो रेप्लिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकॉन, ठीक है, ये आपको पता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है, फिर एसएसबीपी होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क होता है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े हमने, फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड होता है। तो इतना बड़ा आंसर है, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड इतना बड़ा है ही है, आप ही बताओ ना, डीएनए रेप्लिकेशन कितना बड़ा प्रोसेस है, उतना तो करके दिखाना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या, स्टार्ट करना है आपको यहां से, स्टार्ट करना, और इसमें कोई भी दो दो पॉइंट, सिर्फ दो पॉइंट, सेमी कंजर्वेटिव 2 पॉइंट पकड़ो, और मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में कोई एक पॉइंट, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन में कोई एक पॉइंट, फिर उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में कोई 2 पॉइंट, रेप्लिकेशन फॉर्क में कोई 2 पॉइंट, फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में कोई 2 पॉइंट। ये पूरे स्टेप्स हैं, अब इतने स्टेप्स तो करोगे ना तभी ना मार्क्स मिलेंगे, छोटे से आंसर से थोड़ी फुल मार्क्स मिलते हैं यार। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में कोई 2 पॉइंट, ऐसा करके 12 से 15 पॉइंट हो चुके हैं, और यहाँ पे एफ तक के पूरे स्टेप हो चुके हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट वाला 6वां हमारा स्टेप है मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो ये पूरा लिख देना इतना, ठीक है, खत्म कहानी। तो इतना सा तो कर ही सकते हो, तभी आपको जाके 5 मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जाम के 2017 के पेपर में आया था भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, 18 के पेपर में भी था ये, तो पढ़ लेना ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझाओ। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा जो डीएनए रहता है ना, डीएनए हमारा एमआरएनए में क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट होता है, और यही प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कन्वर्जन क्यों होता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही ऐसा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो भी रेप्लिकेशन होता है वो 3' से 5' तक, 5' से 3' तक, फिर हमारा बाइंडिंग होती है आरएनए की, फिर हमारा 3' से एंड तक हमारा डाउनस्ट्रीम चलता है,
प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चलता है यहाँ पे, डुप्लेक्स फॉर्म होते हैं, ATCG हमारा प्रोजेक्टर बेस्ड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोड्यूस होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड बनते हैं, तो ये सब आप डिस्क्राइब करो। समझ गया ना, ये यहाँ तक पूरा आपको डिस्क्राइब करना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तक, ठीक है। तो ये पूरा प्लीज डिस्क्राइब करना, क्योंकि मैंने सबको समझा रखा है लाइन से, आप पूरा रीड करके आंसर मैंने आपको दे दिया, ये पूरा आंसर है, इतना पूरा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर है ना, छोटे आंसर थोड़ी है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो ट्रांसलेशन आपके सामने यहाँ पे दिया है, मैकेनिज्म जरूर याद करके जाना एग्जाम में, क्योंकि फिर घाटा ना हो जाए आपका कहीं। तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, इसे कर लेना, जिसके अंदर इनिशिएशन फेज, फिर ऐसे ही हमारा इलोंगेशन फेज, ट्रांसलोकेशन फेज, ये सारे के सारे फेज चलते हैं, और टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये हमारा चलता है। तो प्लीज इतना कर लेना। तो जो आंसर है इसका यहाँ पे देख लो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, पहले ये इन्फॉर्मेशन दो कि अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, सब बताया है ना यार, ये आपको याद होगा। डीएनए कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सिंथेसिस को, आरएनए सर्व करता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में, राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, बहुत सारे ऐसे मतलब Mg++ और Mg++ आयंस हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में मदद करते हैं, मैकेनिज्म होता है ट्रांसलेशन का, फिर इनिशिएशन फेज में इनिशिएट होते हैं जो हमारे कोडॉन रहते हैं, फिर इलोंगेशन होता है सारे सारे क्रोमोसोम्स का, रिकॉग्निशन होता है कोडॉन का, एंटीकोडॉन बाइंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, फिर उस तरीके से टर्मिनेशन होता है, रिलीज करते हैं पॉलीपेप्टाइड को, ये तीनों स्टेप को आपको बताना पड़ेगा यार, बिना बताए फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो इसमें से आपको तीन से चार चार पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट, भले चार पॉइंट है तो तीन पॉइंट तो आपको याद करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। इतना तो कर लो, वैसे भी मैंने सब समझाया भी है, पढ़ भी लो, आंसर पॉइंट वाइज दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, डिस्क्राइब लैकोपेरॉन, जो वहां पे क्वेश्चन दिया था वही सेम आंसर यहाँ पर भी है कि भाई लैक्टोज क्या होता है, कभी ये स्विच ऑफ रहता है, इंड्यूसर होता है, सप्रेशर रिप्रेशर रहते हैं, है ना, इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स फेल हो जाता है फिर, है ना, फिर हमारा लैक्टोज अंदर इंटर करता है, ये सब आपको समझाया मैंने लैकोपेरॉन में, प्लीज इसको आप आंसर दे देना। ओके, वही सिमिलर एग्जैक्टली सेम आंसर है, कोई इसमें डिफरेंट है ही नहीं आंसर में, एकदम एग्जैक्टली सेम आंसर है, वही सेम छाप देना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इफ द आंसर इज फॉल्स, चेंज द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। पहला क्या देख रहे भाई, द डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड एंड द आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग हमारा जो स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रिजर्विंग इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। Does it needs to stable and resistant and enzymatic or oxidative alteration? ठीक है, ये आपको समझना है। तो justify करो बस यार answers को, अगर false है तो, अगर नहीं है तो उस word को change कर दो। तो मतलब simple सी बात है कि आपका यहाँ पे जो word है, जो DNA molecule होता है double stranded होता है और RNA molecule single stranded रहता है, यही बात आपको यहाँ पे बताई, तो उसको उसने थोड़ा सा alternation कर दिया कि genetic information को store करता है और हमारे next generation में मदद करता है और oxidative alternation करता है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑकर्स एट द राइबोसोम। तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए रहता है, ये मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिजाइन करता है, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, नाइट्रोजिनस बेस पेयर को कंटेन करता है। फिर वैसे ही हमारा यहाँ पे देख लो, द जॉब ऑफ आरएनए इज टू पिक अप अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्ट देम इनटू द राइबोसोम। इसको अलग पॉइंट में लिखो, फॉस्फेट ग्रुप PO4 कीप द बेस पेयर, ये लिख दो आंसर। और ऐसे लास्ट वाले में, ट्रांसक्रिप्शन मस्ट ऑकर बिफोर ट्रांसलेशन में ऑकर। तो RNA is not mean to last long at acts as a template carrying information which is copied from the DNA, ये वाला आंसर लिख देना है। तो बस इतना करना है कि जो रॉन्ग वर्ड यहाँ पे लिखे ना, उसको करेक्ट वर्ड करना है, उसको अंडरलाइन करके करेक्ट करना है और उस स्टेटमेंट को सही करना है। तो फिलहाल सारे स्टेटमेंट ही अपने रॉन्ग है यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे देख रखा सबको सही करके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गया अच्छे से, ये बात ध्यान देनी है आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, गैस वन, द पॉसिबल लोकेशन ऑफ DNA ऑन द कलेक्टेड एविडेंसेस फ्रॉम द क्राइम सीन एंड द पॉसिबल सेकेंड है, द पॉसिबल सोर्स ऑफ डीएनए इज वॉट। तो एविडेंसेस है आई ग्लासेस, तो उसमें क्या करोगे, ईयर के पीसेस को पकड़ो, डीएनए का सोर्स स्वेट या फिर स्किन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही देके रखा उसने। सेकेंड, अगर बॉटल कैन या ग्लास मिला तो फिर उसके लिए आपको सिंपल सी बात है कि भाई आप जो उसका हैंडल होगा, हैंडल जिससे पकड़ा होगा उसने, ठीक है, या फिर साइड्स ऑफ माउथ पीस जिससे पिया होगा ना, पिया रहेगा ना भाई, बॉटल लिया तो पानी भरेगा ना, क्या खून थोड़ी भरेगा, तो पिया रहेगा कुछ ना कुछ, और सलाइवा हो सकती है उसमें और स्वेट, मतलब आपको अगर बॉटल मिला, कैन या ग्लास मिला तो क्या आप ढूंढोगे, तो आपको डीएनए के एविडेंसेस साइड्स या फिर माउथ पीस में मिलेंगे और सोर्सेस स्वेट होगा या सलाइवा होगा। अगर डोर या बेसबॉल बैट या सिमिलर वेपन्स कुछ मिला तो हैंडल, हाथ के सारे पंजे वगैरह मिलेंगे या स्वेट मिलेगा, स्किन या ब्लड कुछ ना कुछ मिलेगा। सिगरेट को यूज किया है तो सिगरेट बट में से हमारे डीएनए के एविडेंस मिल सकते हैं और सलाइवा उसमें लगी होगी तो वहां से मिल जाएगा। बाइट मार्क, कहीं काटा रहेगा किसी को तो पर्सन स्किन और क्लोदिंग, कपड़े
वहां से भी हमें मिल सकता है, और सलाइवा इज दी मेन सोर्स ऑफ द डीएनए। अगर हमें मान लो यहाँ पे ब्लैंकेट या पिलो, अगर हमको सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसका हो सकता है, ब्लैंकेट का या पिलो का, बेडशीट का, डर्टी लॉन्ड्री, किसी भी चीज का हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया को पकड़ो, और वहां जैसे हेयर पड़े होंगे, सीमेन हो सकता है, स्वेट। अभी देखो अगर बेडशीट है मे बी सीमेन हो, है ना, स्वेट भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, हेयर भी तो हो सकता है, पिलो वगैरह वगैरह है, तो यहां से भी आप लोग डीएनए को ढूंढ सकते हो। तो ये फॉरेंसिक साइंस वाले, उस सीआईडी आया करता था ना पहले, वहीं पे सब कुछ दिखा के रखता है, वहीं से ये सब कुछ आप सीख सकते हो आसानी से, ठीक है। उन्हें क्या बोलता है, दया दरवाजा तोड़, तो वही वाला है और कुछ नहीं। तो ये सब आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। सो माय डियर, खत्म हो गया हमारा सारा का सारा क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स से अपने शेयर कर देना, शेयर किए बिना यार जाना मत, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। और आप लोग ना जो भी हो सके यहाँ पे, अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करो, फ्री एकदम फ्रीली रहो, और फ्रेंकली आप पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।